देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो बिना प्रश्नकाल और शून्यकाल के आयोजित हुआ सत्र एक घंटे में 53,526.97 हजार करोड़ का बजट पास किया गया। तो उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2020 पास हुआ है। तो एक दिन का विधानसभा का बजट सत्र कोरोना की वजह से छोटा रखा गया था सत्र, और सत्र में एक घंटे के अंदर बजट को पास कराया गया, तो सदन को अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पंकज पवार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। देखिए, बिल्कुल कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए, क्योंकि बजट तो पास कराना सरकार की जरूरत थी और 31 मार्च तक सरकार को बजट पास करवाना था, तो इसलिए सरकार की मजबूरी थी, इसलिए सरकार ने अपना बजट पास करवा लिया है। विपक्ष ने भी आज चर्चा की भी मांग नहीं की और विनियोग विधेयक लगभग 53,000 करोड़ का प्रदेश का बजट जो है वो पास कर दिया गया है। और सबसे बड़ी इसमें बड़ी बात जो रही, क्योंकि तमाम कर्मचारी लगे हुए हैं इमरजेंसी सेवाओं में जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उनको कोरोना वायरस वॉरियर के रूप में सरकार ने उनको नाम दिया है, और उसके साथ साथ उनकी जीवन बीमा का भी सरकार ने बीमे की घोषणा की है कि हम उनका बीमा करेंगे, क्योंकि जो तमाम बीमा कंपनियां हैं उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि इस महामारी में वो बीमा और इन तमाम चीजों का कवर नहीं दे पाएंगे, तो सरकार ने कहा है कि हम अपनी तरफ से कवर देंगे। तो कुल मिलाकर अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित हो गया है। विपक्ष अंदर सवाल जरूर उठा रहा था कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उस पर वो सवाल खड़े करता हुआ नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, और अगर कहा जाए तो पूरे प्रदेश भर में जो मास्क हैं वो भी अगर कालाबाजारी में बिकेंगे तो फिर गरीब कैसे लेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो बजट के दौरान अंदर चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो वो कोरोना को लेकर चर्चा करता हुआ जरूर नजर आया। जी बिल्कुल, अब अनिश्चितकाल के लिए तो सदन यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। हालांकि एक घंटे में अब बजट भी पास यहाँ पर हुआ है, जिसमें पूरा सहयोग विपक्ष का भी पंकज दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये रवैया, विपक्ष का ये जो रुख है वो सकारात्मकता की ओर इशारा करता है। देखिए बिल्कुल, इस समय कोई लड़ने झगड़ने या फिर वाद विवाद की स्थिति नहीं है, इस समय नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति है। ऐसे में जो विपक्ष भी अगर सरकार से वाद विवाद या फिर बजट की चर्चा की बात करने लगता तो फिर शायद गलत मैसेज भी जा सकता था। ऐसे में विपक्ष ने भी बिना चर्चा के इस बजट को पास होने दिया और विनियोग विधेयक लगभग एक घंटे के अंदर, शायद ही बिल्कुल एक घंटे के अंदर 53,526 करोड़ का बजट पास किया गया है सरकार की तरफ से। तो इसमें अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ सौगातें बजट के साथ? अब देखिए, अगर कहा जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है उसको भी पास किया है। उसके अलावा जो तमाम विभाग हैं उनके भी तमाम बजट पास हुए हैं, और सबसे बड़ी कोशिश सरकार की यही है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना से लड़ाई है उसको किस तरीके से लड़ा जाए, इसके लिए अधिकारियों को भी अलग से अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, और साफ तौर पर कह दिया गया है उन्हें कि आप अतिरिक्त जिम्मेदारी वो निभाएं। इसके साथ साथ जो तमाम जो अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं उसमें चाहे अस्पतालों में व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना हो, ये तमाम चीजों को लेकर साफ तौर पर सरकार के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। कुल मिलाकर सरकार ने आज अपना बजट, अपना जो 31 मार्च से पहले पहले करना था वो कर दिया है, और अब जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों की तरफ निकल गए हैं। मुख्यमंत्री अभी विधानसभा में जरूर मौजूद हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मंत्री चाहे संसदीय कार्य मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, सब अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है, कोरोना के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश जरूर की जाए, और इसी तरीके से अपील चाहे विपक्ष है चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। जी शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए, जानकारी देने के